दादी, ये राजपाल यादव का जय है का? हाँ जय है, जय मकान है, जय मकान है। हाँ जय मकान है। ये आते होते हैं बेटा? रात नहीं भाई, देखो वही रात नहीं, आ जाते हैं, आ जाते आ जाते भाई भाई उनके आ जाते हैं। हाँ हाँ आ जा, थोड़ी मिलन कर लिया आए हैं गांव भरे में घूमे, लाए रहे गाँव। हाँ गाँव में आओ था। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुज ब्लॉग्स पे। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं नए वीडियो के एक नए अंदाज में। तो फाइनली जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इस वीडियो का आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख रखा है। जी हाँ, अभी हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर से करीब अभी 40 से 50 किलोमीटर दूर, हम लोग 30 से 40 किलोमीटर दूर खड़े हैं फिलहाल। और आज हम चलने वाले हैं बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव सर के गांव। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दें कि जो राजपाल यादव सर हैं, वो भी होली के मौके पर अपने गांव आए हुए हैं, अपने घर पर आए हुए हैं। तो उनसे करेंगे मुलाकात और इस वीडियो में उनका हम आप लोगों को घर दिखाने वाले हैं कि जो कि पुराना गाँव वाला उनका घर है, वो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को देखने को मिलेगा। और इसी वीडियो के माध्यम से ये भी देखने को मिलेगा कि भाई हम अभी चल रहे राजपाल यादव सर से मिलने, तो वो मुलाकात भी आप लोगों को दिखाते हैं राजपाल यादव सर के साथ में। वैसे तो उनकी बहुत सारी फिल्में आप लोगों ने देख रखी होंगी, तो चलिए यार लाइव आप लोगों को उनको दिखाते हैं। तो चलिए वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा। वीडियो का अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें आप लोग। तो अभी हम लोग आ चुके हैं, इधर है बंडा, बंडा एक सिटी है ना, वहाँ से करीब अभी 5 से 6 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं इस साइड। और ये जो रास्ता, ये भी राजपाल यादव के गाँव को जाता है, ये जाता है ना छोटू, ये भी रास्ता राजपाल यादव के गाँव को जाता है। एक और आगे रास्ता था जो भी जा सकता है, लेकिन यहाँ इसलिए हम पहुँचे हैं कि आप लोगों को दिखा दें। ये जो है, जो यहाँ पे दुकानें आप लोगों को बनी हुई दिख रही हैं, इस पर लिखा हुआ है यादव इंटरप्राइजेज। जी हाँ दोस्तों, और ये है जो राजपाल यादव सर की ये दुकानें हैं, है ना। ये देखें, यहाँ पे भी एक बोर्ड लगा हुआ है, इसमें बैंक है किराए से, बैंक ऑफ बड़ौदा और यादव इंटरप्राइजेज के नाम से। ये जो दुकानें हैं ये राजपाल यादव सर की है। और यहाँ से महज कितना किलोमीटर होगा छोटू, 2 किलोमीटर, तो 2.5 किलोमीटर यहाँ से है उनका गांव, जहाँ चलेंगे। गांव का नाम भी आ गया, आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। और ये जो दुकानें को आप देख लो फिर से, और जो इस वीडियो में हम आप लोगों को घर उनका दिखाने वाले हैं, वो शायद ही किसी ने यूट्यूब पे डाला हो, पहली बार हम ही चल रहे दिखाने के लिए। तो चलिए बाइक अपनी वहाँ खड़ी है, उसको स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं। और आज इस तो गाइस फाइनली जैसा कि अभी हम पहुँचे हैं, एक गाँव का नाम है खखरा, खखरा बुजुर्ग गाँव का नाम है। और यहाँ पर जो है भी एक राजपाल यादव का घर है, वो यहाँ पर कल आए भी थे। यहाँ पर मौजूद दादी ने हमको बताया है कि वो यहाँ पर आए हुए थे कल, होली मिलने आए हैं। होली दिवाली में जब भी आते वो आते हैं। तो यहाँ पर ये जो घर दिख रहा है, मतलब ज़्यादा अच्छा तो नहीं बना, क्योंकि ये दूसरे गांव में बना है, ये खखरा बुजुर्ग गांव है, वहाँ पर ये बना हुआ है घर। तो इसी वजह से ये ज़्यादा मेनटेन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो रुकते नहीं हैं। अगर आते हैं गाँव में होली वगैरह मिलने, तो वो गाँव में किसी के घर भी बैठ जाते हैं, जहाँ कुर्सी डालोगे वहाँ बैठ जाएंगे। और जो उनका दूसरा घर है, जहाँ पर वो आते हैं, तो रुकते भी हैं, है ना। तो अभी जब वो यहाँ पे हैं, अभी होली के टाइम पे वो वहाँ पे हैं, तो वो अपने कुंडला वाले घर पर हैं, जो कि भी हम आगे वीडियो में दिखाएंगे, इस वीडियो में नहीं तो अगले वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये शायद ही किसी ने आप लोगों को बताया होगा कि ये वाला भी घर उन्हीं का है, जो कि खखरा में मौजूद है। और यहाँ पर जो है उनके भाई का नाम इस पर डला हुआ है, निवास राजेश यादव, है ना। तो अभी बैक में कॉल करेंगे और देखेंगे इस घर को किस तरीके से यहाँ पर मौजूद है, और फिर उसके बाद चलेंगे हम लोग राजपाल यादव सर से मिलने के लिए। दादी, ये राजपाल यादव का जय है का? हाँ जय है, जय मकान है। हाँ जय मकान है। ये आते होते हैं बेटा? रात नहीं भाई, देखो वही रात नहीं, आ जाते हैं, आ जाते हैं, आ जाते भाई भाई उनके आ जाते हैं। हाँ हाँ आ जा, थोड़ी मिलन कर लिया आए हैं गांव भरे में घूमे, लाए रहे गाँव। हाँ गाँव में आओ तो, होली कहीं, दिवाली कहीं, त्योहार सब यही करते हैं। हाँ हाँ आओ तो नहीं, अब देखिए राहत ना है, देखो बात साफ हम कह रहा तो मुंबई, मुंबई में रहा वहाँ वहाँ भाई आओ कहीं आ जा, तो गांव हमारो मजाक तो जात रुकत अपने वहाँ घर। हाँ, रुकत जाए घर, संध्या काम है तो पूरा गांव में जाए की गई है। आओ 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 नहीं, कल आप लोगों से मिले सबसे। हाँ हाँ ये तो अभी घर पर हुए, घर हुई ही अब आए ही, तो घर हुई है। आ जाए वाली दिवाली मिले जरूर, आओ। हाँ आओ जरूर, आओ जरूर। जय है इनको है? हाँ जय है, यहाँ बड़ा है। है कोई अंदर का है? कोई नहीं, इधर आलू उलू में सब गांव के तो भाई आलू उलू डाल देती हैं, भाई देख रेख कर लेते हैं। हाँ देखने वाले दे भाई, वहाँ ही बुक को खा भाई, बने देख बार कर रहा हूँ। फिर जब देखो आओ जाए तो कहो यहाँ बैठा बैठा रहा है। इस घर के सामने ही जस्ट यहाँ पर एक सरकारी विद्यालय है, जिससे भी हमारी यादें भी बहुत सारी जुड़ी है, क्योंकि 5th तक जहाँ लोग इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं आजकल के बच्चे जाते हैं, उस समय की पढ़ाई हमारी ऐसे ही सरकारी स्कूल में हुई है, गांव के हमारे सरकारी स्कूल में। और यहाँ पर
महात्मा बुद्ध की और बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगी हुई है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भीमराव अंबेडकर जी के अंदर में ये गांव आता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर छाव के लिए पेड़ पौधे भी काफी खड़े हुए हैं, और इन दादी ने जो है हमको सारा कुछ बताया है राजपाल यादव सर के बारे में कि ये वाला जो घर है उनका ही है, और कल वो होली यहाँ पे भी मिलने आए थे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है निवास राजेश यादव ग्राम पंचायत खखरा बुजुर्ग, क्योंकि इनके जो एक भाई है राजेश यादव जी वो इलेक्शन वगैरह भी लड़ते हैं, है ना, राजनीति में है, इसी वजह से वो यहाँ पर जो है आते जाते रहते हैं और राजपाल यादव सर भी आते जाते हैं। और यहाँ पर आलू वगैरह की बुवाई हुई है ना, तो लोग देख रेख के लिए रहते हैं। अब यहाँ पे चलेंगे इसके अंदर, देखेंगे अभी कौन यहाँ पे मौजूद है, और फिर इसको अंदर से भी आप लोगों को दिखाते हैं और पता करते हैं भाई किस तरीके से यहाँ पे उनका ये घर है। और ये देखिए अभी इसकी मेंटेनेंस वगैरह तो है नहीं, क्योंकि वह काफ़ी पुराना है, और जैसा कि दादी ने बताया तो यहाँ पर वो आना जाना उनका लगा रहता है जब भी होली दिवाली आते हैं। और इस घर की देख रेख जो ये कोखा रखा हुआ है ना पानपुड़िया का, यहाँ वाले ये करते हैं, इनकी देख रेख करने के लिए इनको रखा गया है, इसी के अंदर अपनी बुवाई वगैरह कर लेते हैं। और ये राजेश निवास को अभी दूसरी साइड से हम दिखाएंगे उस साइड से कि कितना ये पीछे की तरफ जाता है। और यहाँ पर महाकाल के भक्त भाई हमारे अमर सिंह साइड से देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा यहाँ पर, और ज़्यादा बड़ा तो नहीं पीछे है, वो दीवार जहाँ तक वाइट वाइट आप लोगों को दिख रही वहाँ तक ये घर है। और दो मंजिल के लिए सिर्फ एक कमरा ऊपर बना हुआ है ना, ये देखिए कमरा हो सकता है या तो सीढ़ी जाने का रास्ता हो सकता है वहाँ पे, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है निवास राजेश यादव ग्राम पंचायत खखरा बुजुर्ग। राजेश यादव उनके भाई का नाम है, पाँच छः भाई भी थे वो लोग ना, पाँच या छः भाई हैं, पाँच या छः, कोई पाँच बताता है कोई छः भाई बताता है ना। देखेंगे यहाँ पे कोई है अंदर की नहीं है, लेकिन हालत इसकी जो है बहुत गंभीर यहाँ पे पड़ी हुई है भाई, है ना। ऐसा कहते हैं जो इलेक्शन वगैरह लड़ा करते थे उनके भाई वगैरह तो यहाँ पे आया करते थे। दोस्तों इस वीडियो में हमने राजपाल यादव सर से मुलाकात कर ली, आप लोगों को वीडियो बना के दिखाया है। उम्मीद करते हैं कि जो राजपाल यादव सर के साथ हमारी मुलाकात थी वो आप लोगों को पसंद आई होगी, और किस किस को राजपाल यादव सर से मिलना है वो सारे के सारे जाओ नीचे कमेंट कर दो। और मैं भी बाइक चला के 50 से 60 किलोमीटर दूर आया था उनसे मिलने के लिए, और मुलाकात हो गई हमारी भी, होपी मतलब होली जो है हैप्पी हो गई। पिछली बार भी होली पे उनसे ही मुलाकात हुई थी, जस्ट एक साल बाद फिर मैं उनसे मुलाकात मैंने करी है, और इस बार वीडियो भी बना लिया साथ में। पिछली बार अकेले मिले थे तो वीडियो नहीं शूट हो पाया था क्योंकि वो जा रहे थे, तो फोटो क्लिक करके वीडियो नहीं शूट हो पाया था। इस बार प्रॉपर मैंने वीडियो भी शूट किया है जैसे तैसे करके भीड़ भाड़ में, है ना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहले विजिट करो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आएगा बेल आइकन उसको दबा के ऑल पर क्लिक कर देना। इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो किया तो यहाँ पर यूजरनेम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फॉलो कर लीजिए। तो 6 दोस्त मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।